अब दूसरा राज्य जब लड़ाई होगा उसमें बचा खचा जितना लोग है ये संगठनकारी लोग है इन लोग को एक एक करके उठा करके बाहर देते हैं। आज सरकार की लोकप्रियता, आज जिस तरीके से सरकार गांव गांव पंचायत पंचायत टोला टोला में जाकर के इस राज्य के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है और आज इस तरीके से इन षड्यंत्रकारियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो ये लोग अपने पुराने पापों का टिकरा वर्तमान सरकार के मंथे में फोड़ने का काम कर रहा है। कल हम यहां जांच एजेंसी ईडी के यहां गए लगभग 7-8 घंटे तक उन लोगों का उनका सवाल जवाब होता रहा। हमने उनसे कहा क्या जो आरोप आपने लगाया है क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है तो उनका कहना है ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। तो हमने ये कहा जब 2 साल का आरोप नहीं है अब फट जाएगा तो 2 साल का तो नहीं दोस्तों दिखाऊँ ठीक अब ठीक है हमने उसको आश्वस्त किया है आप दूध का दूध पानी का पानी करो अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करोगे तो उसमें भी विरोध करने की ताकत हमें जात एजेंसी से कोई परहेज नहीं है कोई गुरेज नहीं है हेलो लेकिन जिस तरीके से आवाज पर भाषण चल रहा है उदाहरण दिख रहा है जिस तरीके से उनका संदेश बाहर आ रहा है कि पूरा देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों की अंदरों की कार्रवाई चल रही है इसका सवाल का जवाब इन एजेंसियों को भी देना चाहिए। 100 पार कर गया लग रहा है क्यों ना चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो केरल हो चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो देखने हो चाहे ये झारखंड हो इन्हीं जगहों पर कार्रवाई हो रही है क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज का कोई दूध का धुला हुआ है क्या मंदिर है जब एकला ने देवरल तो कहता अगर आपको संवैधानिक पद पर बैठाया गया है तो संवैधानिक पदों का निर्वाहन करें हमें कोई नहीं लेकिन महाभारत वीरों का राज या आपका हक अधिकार के लिए हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया यहां से लोग समझदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं क्या भगवान बिरसा मुंडा का माजी ने करी अंग्रेजों का गुलामी नहीं किया और आज यहां के आदिवासी धनी पिछड़ा अल्पसंख्यक को आप दबाना चाहते हैं ऐसा हर घर नहीं हो सकता जिनको ऐसा लगता है ऐसा आचरण करते हैं लगता है कि नेता देश छोड़ के भागने वाला है और आज तक का कोई इतिहास नहीं है कि कोई राजनेता देश छोड़ के भागा हो लेकिन बीमारी के बाद के लोग देश का बैंकों का करोड़ों रुपया हजम करके विदेश भाग इसलिए साथी बिल्कुल धैर्यपूर्वक हमें इनके षड्यंत्र को नकाम करना पड़ेगा। हमारे विपक्ष के लोग पंचायत पंचायत के भ्रष्टाचार विरोध के लिए रक्षा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन विकास हो रहा है वो उनके लिए नहीं करना देना
आने वाला समय इनको इन बुजुर्गों को इन लोगों ने 20 साल ब्लॉकों में दोहराया, पेंशन नहीं दिया। इन विधवाओं को 20 साल ब्लॉकों में दोहराया, पेंशन नहीं दिया। इन विकलांगों ने 15 साल 20 साल ब्लॉकों का चक्कर लगाया, उनको पेंशन नहीं दिया। आने वाला समय ये मजदूर गरीब कितने लोग इनको भी पूर्ण जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।